दोस्तों, कॉकरोच आपको भले ही पसंद ना हो या फिर आप उनसे डरते हो, लेकिन चीन के लोगों के लिए यह कमाई का जरिया है। कॉकरोच संभावित औषधियों गुणों के चलते चीनी उद्योग के लिए व्यावसायिक अवसर की तरह है। चीन सहित कई एशियाई देशों में कॉकरोच को तलकर खाया जाता है, लेकिन अब इनको बड़े पैमानों पर पैदा किया जाने लगा है। इसके बारे में जानेंगे पूरी डिटेल्स में वीडियो के आगे में, तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू में दी घंटी दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना, और हाँ, वीडियो के नीचे लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों, चीन के शिनचांग शहर में एक दवा कंपनी हर साल 600 करोड़ कॉकरोच का पालन करती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार एक बिल्डिंग में इनको पाला जा रहा है। इस बिल्डिंग का क्षेत्र पर लगभग 2 खेल के मैदानों के बराबर है। वह अलमारियों की पतली कतारों में इसे पाला जाता है। इनके लिए खाने और पानी का इंतजाम होता है। अंदर घुप अंधेरा होता है और वातावरण में गर्मी और सीलन बनाकर रखी जाती है। फार्म के अंदर कीड़ों को घूमने और प्रजनन करने की आज़ादी होती है। उन्हें सूरज की रोशनी से दूर रखा जाता है और वो बिल्डिंग के बाहर नहीं जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से कॉकरोच पालन पर नज़र रखी जाती है। इसके जरिए बिल्डिंग के अंदर तापमान, खाने की उपलब्धता और नमी पर नियंत्रण रखा जाता है। लक्ष्य कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉकरोच पैदा करने का होता है। जब कॉकरोच वयस्क होते हैं तो इन्हें कुचल दिया जाता है और इसका शरबत की तरह चीन के परंपरागत दवाई के रूप में पिया जाता है। इसका इस्तेमाल दस्त, उल्टी, पेट के अल्सर, सांस की परेशानी और अन्य बीमारियों के इलाज में किया जाता है। शानडोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इंसेक्ट एसोसिएशन ऑफ शानडोंग प्रोविंस के निर्देशक लियू शुआंग ने द टेलीग्राफ अखबार से कहा कि कॉकरोच वास्तव में एक चमत्कारी दवा है। वो आगे कहते हैं, वे कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और अन्य दवाओं की तुलना में वो बहुत ही तेजी से काम करते हैं। प्रोफेसर लियू के मुताबिक बुजुर्ग आबादी चीन की समस्या है। वो कहते हैं कि हम लोग नई दवाई खोजने की कोशिश कर रहे हैं और ये पश्चिमी देशों की दवाई से सस्ती होगी। दवाई के लिए कॉकरोच का पालन सरकारी योजनाओं का हिस्सा है और इसकी दवाई का अस्पतालों में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे भी है जो इस पर चिंता जाहिर करते हैं। बीजिंग के चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के एक शोधकर्ता ने अपना नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से कहा कि कॉकरोच का शरबत रोगों के लिए रामबाण इलाज नहीं है, यह सभी बीमारियों पर जादुई असर नहीं करता है। एक बंद जगह में इस तरह के कीड़े को पालन करना और पैदावार बढ़ाना खतरनाक साबित हो सकता है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के प्रोफेसर झू कोयडंग कहते हैं कि अगर यह इंसान की गलती या फिर भूकंप के कारण अरबों कॉकरोच बाहर आ जाए तो यह विनाशकारी भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपके विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और स्क्रीन पर जो दो वीडियो दिख रहे हैं उनको भी आप जरूर वॉच कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।